बहराइच में आज देवीपाटन मंडल के डीआईजी पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन में पहुंचकर पुलिस कर्मियों को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने कोरोना से जंग जीते हुए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया और उन्हें कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी दिया। साथ ही उन्हें आज शक्ति मोबाइल को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन खुल गया है, महिलाओं को किसी भी तरह किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े या उनके साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए शक्ति मोबाइल को हरी झंडी दिखाई गई। जी अजय साहब, आज एक कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है, शक्ति मोबाइल का भी शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना योद्धाओं का, ये क्या कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का ये हमारा प्रमुख उद्देश्य यह रहा कि हमारे जो साथी अपने कर्तव्य के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे, उनके स्वास्थ्य को जानना, वर्तमान में उनकी ड्यूटी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका कुशल क्षेम लेना, साथ में उनको प्रोत्साहित करके आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करना था। साथ में जो हमारे तीन साथी पूर्व दिवंगत हुए हुए हैं, उनके लिए हमने सर्टिफिकेट रद्द किया, साथ में उनकी जो सरकार की जो सहायता राशि है जो संपूर्ण रूप से उनको उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा आगे आने वाली चुनौतियों के लिए उनके स्वास्थ्य के जो हमारी जो समस्याएँ थी उन लोगों की उनको पूछा गया और आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। जनपद स्तर पर सभी थानों में स्वास्थ्य के लिए हम फिटनेस के लिए योजनाएँ चलाएंगे, जिससे कि हमारे लोग फिट रहें और सभी आने वाली बीमारियों से लड़ते रहें और आगे जो है जो भी कोई चुनौतियों में सामना करने की कठिनाई में हो। और एक बात और इस पर बातचीत में आई, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के कारण हमारे लोग सभी सुरक्षित रहे, तो हमारे जो लोग हैं, ये जो हमारे यहाँ सम्मानित हुए लोग हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, साथ साथ मास्क के लिए प्रेरित करेंगे, साथ साथ उनको सैनिटाइजर के लिए अपने बीच क्षेत्र में, अपने गांव क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है कि जाकर ये बताएं कि हम उसका कि हम कोरोना फील रहे हैं, इसमें जीते हैं, आप लोग इससे बचिए और मास्क का प्रयोग करिए, साथ साथ उनको जो सैनिटाइजर प्रयोग के लिए अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए तो हमने इतनी सारी चीज़ें दिलाई। पुलिस हर क्षेत्र में सबसे आगे होती है, तीसरी लहर की बात है। देखिए, सबसे जरूरी हमारी फिटनेस टीम को हमारे लोग अपने स्वस्थ रहें ताकि लोगों की सेवा में लगे, इसलिए हर थानों पर हम लोग योग प्राणायाम और उसके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और साथ साथ उनको सजग रहें। तो किसी लहर या ऐसी कोई बीमारी अगर आती है तो हम इसका सामना करने पूरी तरह से तैयार हैं, हमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। सर, देखा गया है पुलिस विभाग के जैसे भी बताया कि हमारे साथियों जो लोग बीमार रहे हैं इस दौरान, उनसे मैंने खुद सभी से बात की है, पुलिस अधीक्षक और हमारे उनके और अधिकारी सब लगातार बात करते रहे, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि दबाव रहता है तो दबाव कम करने के लिए भी इस तरह का तो हम लोग ऐसा करते हैं, पुरस्कार दिया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि वो उस दबाव से मुक्त हो। मास्क चेकिंग और वाहन चेकिंग में धड़ाधड़ जो चालान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये चालानों की जो स्थिति है, अभी देखा गया है कि ज़्यादातर चालान करने के लिए कोशिशें की जाती हैं कि चालान जागरूक करने की वजह चालान किए जा रहे हैं, इसके बाकी रशिया में देखा ही गया है, एक वीडियो सामने आया था। इसीलिए हमारे जो साथी बीच में आए थे उनको इसलिए समझ किया गया कि ये बताएं कि मास्क लगाना जरूरी है, हमको संख्या नहीं पूरी करनी है, हमको उनको किसी को चालान करके कोई ऐसा कोई कानून की पूर्ति नहीं करनी है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमको उसको करना ही है, लेकिन लोग लगाएं। हाँ, जो लोग नहीं लगा बार बार मना करने नहीं मानते हैं, कहीं पर थूकते हैं या कहीं पर इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उन पर चालान किया जाएगा, लेकिन केवल चालान पर चालान नहीं होगा, लेकिन जागरूकता के साथ चालान किया जाएगा। अजी साहब, आज आपने शक्ति मोबाइल को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है, इसका क्या संदेश? इसका संदेश की जिस जानते हैं पूरे हमारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा था, इसी के तहत ग्रामीण इलाकों में और नगरीय क्षेत्रों में जैसे अब लॉकडाउन खुला है और लोगों मूवमेंट शुरू हो गया है, स्कूलों में हमारे स्कूल कॉलेज भी निकट भविष्य खुलने वाले हैं, खुलेंगे, तो जब इसमें शक्ति मोबाइल द्वारा ये जो है कोई उनके महिलाओं के साथ कोई दिक्कत ना आए, उसे कोई छेड़छाड़ जैसे किसी भी ना आए, इसके लिए उसके बारे में।